नेटफ्लिक्स इंडिया से तुम क्या उम्मीद लगा सकते हो, वहां क्या कंटेंट मिलेगा या फिर कचरा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिसमैच्ड वेब सीरीज के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। टोटल इसके अंदर 6 एपिसोड हैं। वैसे इसका नाम मिसमैच्ड बहुत अच्छे से सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और मुझे लगता है कि इसके मेकर्स को पता था कि ये क्या होने वाली है। इसमें एक कास्ट है जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज देखने का मन बनाया, उसका नाम है प्रजक्ता कोहली, जिसका एक खुद का यूट्यूब चैनल है मोस्टली सेन के नाम से। काफी अच्छी ज्यादा मतलब काफी अच्छी कॉमेडी करती है, वैसे एक मजाक था ये। इस सीरीज के अंदर भी वही घिसी पिटी लव स्टोरी हमारे सामने रखी गई है, जो हमने पता नहीं कितनी बार देख ली। इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने आपके सामने एक गली सड़ी सब्जी, बहुत पुरानी बासी सब्जी, एक नए टिफिन बॉक्स में आपके सामने रखी जाए आपको खिलाने के लिए, ऑब्वियसली उसे खाओगे तो पेट खराब हो गई। ये कुछ ऐसा ही है। तो इसकी यूनिक कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक डिंपल आहूजा नाम की एक लड़की है, जिसकी मां बस चाहती है कि डिंपल की जैसे तैसे शादी हो जाए। 17 साल की, आई थिंक 17-18 साल की होती है। और डिंपल जो है वो पढ़ना चाहती है, उसे जावा आता है, उसे कोडिंग से प्यार है, वो एप्स बनाना चाहती है। और इसलिए वो जयपुर में एक 3 महीने के कोर्स के लिए एडमिशन ले लेती है। वहां पर इसकी माँ क्या करती है, किसी अमीर ज्यादा लड़के के साथ कॉन्टेंट, मतलब ऐसे ही व्हाट्सएप पे इनका ग्रुप होता है, तो उसके साथ इसका मैच करवाती है। वो लड़का इसकी फोटो देख चुका होता है, वो भी उसी वहां पर 3 महीने के कोर्स में मतलब ज्वाइन कर लेता है और इससे जाके मिलता है, ताकि इसके साथ नजदीकियां बढ़ा सके। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो है वही लड़का जो है मतलब ऋषि जो है लड़के को पसंद नहीं करती ये लड़की, और आपस में शुरुआत में तो लड़ाई दिखाई जाती है, फिर बाद में धीरे 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 ये मिले। हमने कितनी बार ये सेम चीज देखी हुई है, एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की, जब भी वो रेस्टोरेंट में जाती है तो पहले रेट को देखती है, लड़का ये चीज देख लेता है। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, हमने तो पहले कभी देखा ही नहीं ना शायद ऐसा। और सच में ये सीरीज उन कूल ड्यूड्स के लिए है जो इंग्लिश में गाली देकर अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं और मॉडर्न समझते हैं। तो ये सीरीज उन्हीं कूल ड्यूड्स के लिए है जिनके पिता अगर मिलिट्री में है, वो ब्रिगेडियर रैंक पर ना होकर एक सूबेदार के रैंक पर है, तो ये बात अपने दोस्तों से छुपाना। और ये सीरीज उन्हीं कूल ड्यूड्स के लिए सीरियसली जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, भले ही वो छोटा मोटा कोई भी काम वो करते हैं, वो अपना खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, या डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल जो भी वो बनते हैं, वो इस बात को अपने दोस्तों से छुपाते हैं ताकि उनके दोस्त उनका मजाक ना उड़ाए, वो जबकि वो मेहनत करके वो पैसे कमा रहे हैं। ये उन्हीं कूल ड्यूड्स के लिए है जिनको लगता है कि यार मेहनत करना पैसे कमाना ऐसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का काम है। हमारे देश में जहां पर किसी के परिवार में उसका भाई उसका बेटा या फिर किसी का पिता जो है वो मिलिट्री में, केवल और केवल मिलिट्री में होने कोई बहुत गर्व की बात मानी जाती है, रैंक की बात तो बाद में आती है, केवल केवल आर्मी में होना ही बहुत बड़ी बात मानती है, गर्व की बात होती है कि यार हमारे परिवार से कोई इंसान जो है वो फौज में देश की सेवा के लिए गया हुआ है। वहां पर ऐसी सीरीज में ये दिखाना कि एक लड़की अपने पिता के सूबेदार के रैंक पे होने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि उसके दोस्त उसको इज्जत नहीं देंगे, ये शायद इन्हीं कूल ड्यूड्स के लिए है जिनकी सोच ऐसी है। और इस सीरीज का सबसे बड़ा जोक, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान और मतलब जो आपसे लड़ाई कर रहा है, आप दोनों पूरी तरीके से मतलब लड़ाई में लगे हुए हैं, आपस बातचीत में, मतलब किसी को मार नहीं रहे हो, बातचीत में आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, सामने वाला आपको बोल रहा है तुम्हारी औकात तुम्हें बता देगा, तुम्हें मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देगा, ऊपर से माँ बहन की गालियां दिए जा रहा है, इधर से तुम भी लगे हुए उसको गालियां देने में और यही सब चीजें उसको बोल रहे हो, फिर क्या होगा यार। देखो जो तुम करने वाले हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि तुम्हारा तब क्या रिएक्शन होगा और तुम क्या करोगे। जो इस सीरीज के अंदर जो रंडापा किया गया है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब ये बात करते हैं कि तुम्हारी औकात दिखा दूंगा तुम्हें, तो ये कहता है कि वीडियो गेम में आ जाना, वीडियो गेम में फाइट करते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई किसी की औकात किसी को बतानी होती थी तो वो इंसान आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता था, या कोई बड़ा अधिकारी बनता था, या बहुत ज्यादा पैसे कमाता था, या बहुत ज्यादा कामयाब होता था, ऐसे बनकर वो अपनी औकात दूसरे वाले को दिखाता था। और कुछ ऐसी ही चीजें मतलब मैंने देखी हुई है यार अपनी लाइफ में। और लेकिन ये वीडियो गेम से कौन औकात दिखाता है, मतलब सपोज अगर आपके पास वीडियो गेम है, सामने वाले को वीडियो गेम नहीं आती है, मतलब जो भी है वो मतलब उसकी औकात कम हो गई क्या। और फिर वही सेम स्टोरी, जो लड़का लड़की में प्यार कराया जाता है,
फिर जबरदस्ती लड़की के अंदर लड़के के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा, जबरदस्ती जबरदस्ती मतलब लड़की को यह दिखाया जाता है कि लड़के ने अपने माँ बाप के बारे में लड़की को नहीं बताया, इससे लड़की गुस्सा हो जाती है, ओह तूने अपने माँ बाप के बारे में मुझे नहीं बताया, तूने मुझसे झूठ बोला, जबरदस्ती का ट्विस्ट डालकर गुस्सा करवा दिया जाता है ताकि लड़का उसके पीछे पीछे घूमे और फिर वो जाके फिर मतलब सॉरी वगैरह जो भी मांगे उस लड़की को फिर से मिलाए और लास्ट में जो होता है कि आपस में मिला देते। मतलब ये क्या क्या मतलब हम तो यही देखने के लिए पैदा हुए हैं ना इस धरती पे। पहले जो लड़की किसी के साथ ये करने में लगी हुई होती है, फिर उसके बाद उसके साथ लड़ाई होती, तुरंत किसी लड़के के साथ दूसरे लड़के के साथ लग जाती। मतलब ये रियल में होता है क्या? टिटू तेरे साथ कभी ऐसा हुआ? यार मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये कहूं कि मैंने इस सीरीज को देखा है, ये कहना गलत होगा, बल्कि ये कहना सही है कि मैंने इस सीरीज को जैसे तैसे झेला है यार। और ये लोग यही नहीं रुके हैं, इसका सेकंड सीजन आएगा यार। इसका फर्स्ट सीजन ही ऐसे मोड़ पर खत्म किया गया, इसका सेकंड सीजन ला सके यार। किस कौन है वो लोग जो इस सीजन के सेकंड सीजन की डिमांड कर रहे हैं? शायद ये वही कूल ड्यूड्स हैं जिनकी सोच ऐसी है। मैं इस सीरीज के फोर्थ एपिसोड पे जाके थोड़ा बहुत गलती से हंसा हूं यार। मतलब वहां पर एक छोटे से डायलॉग से मुझे हंसी आ गई, बाकी इसके 6 के 6 एपिसोड इतने महा बोरिंग है उसको मुझे झेलना यार। मैं जानता हूं कि मैंने कितने मुश्किल से अपने वो 3 घंटे निकाले हैं इस वाहियात सीरीज को देखने के लिए। अब आप शायद लोगों को पता चल गया होगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया से क्या उम्मीद की जा सकती है। और अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, देखो यार मैं अगर इसके बारे में बात और करने लग गया डीपली तो आप लोगों को लगेगा यार मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट इसमें क्रिटिसाइज के अलावा कुछ है भी तो नहीं यार। परफॉर्मेंस तुम देखो यार इतनी बिलो द एवरेज है, मतलब वो एवरेज ही कर देते यार। कम से कम कुछ अच्छा लगता है, बस उनको डायलॉग दिया गया, डायलॉग वो बोल रहे हैं और इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर देखने को ही नहीं मिलता। खैर छोड़ो यार, अब इससे ज्यादा मैं इस सीरीज के बारे में बात भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि यार अब मेरा सर दर्द करने लग गया और इस सीरीज को देखने के बाद अब उल्टी सी फीलिंग हो रही है, मतलब उल्टी करने का मन कर रहा है। तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 सर। अगर किसी ने ये सीरीज देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर नहीं देखी है तो रिव्यू देख लिया होगा, रेटिंग भी देख ली होगी, तो अपना दिमाग यूज करो यार, क्यों फालतू की चीजों में अपना दिमाग लो। बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में सीखने को, वो जाके सीखो यार। अब मैं जा रहा हूँ उल्टी करने, तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।